जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने सोसाइटी की आय बढ़ाने पर जोर दिया है। डीआरडीए के सभागार में आयोजित जिला रेडक्रॉस कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कोविड-19 के दौरान माह अप्रैल से सितंबर 2020 तक जिला में 188 लाभार्थियों की सहायता के लिए 8,65,737 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। डीसी ने कहा कि सोसाइटी की वर्तमान में आय के साधन कम होते जा रहे हैं तथा अधिक से अधिक आय के स्रोत सृजित किए जाएंगे ताकि रेडक्रॉस की गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा सके। जो दुकानें रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा किराए पर दी गई हैं, उनका संचालन सोसाइटी के निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाए। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें आगे किराए पर दी होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उप समिति का गठन किया गया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि रेडक्रॉस की इनकम में काफी गिरावट आई है। बैठक में रेडक्रॉस की आय बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए हैं। जो मीटिंग हाल बन रहे हैं उनकी इनकम का 20-25% रेडक्रॉस को जाएगा। जिला मुख्यालय की भी नीलामी होनी है, उससे भी 50% के लगभग अमाउंट रेडक्रॉस को दिया जाएगा। रेडक्रॉस की दुकानों का जहां से किराया नहीं आ रहा उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वित्तीय सहायता के लिए लोग रेडक्रॉस के पास आते हैं, ऐसे में उन्हें स्क्रीन किया जाएगा और सही मायने में मदद के लिए पात्र लोगों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए सब कमेटी गठित की गई है। आज जिस परिवेश में हम लोग मिल रहे थे, कोरोना का समय चला हुआ है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे नीडफुल लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, हमारे पास रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता के लिए आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो रेड क्रॉस की इनकम है उसमें भी काफ़ी गिरावट हुई थी, उसी को लेकर आज मुख्यतः चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि किस प्रकार से जो रेड क्रॉस की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं कि हमारे कुछ मीटिंग्स हॉल तैयार हो रहे हैं, उनका भी जो इनकम होगा उसका कुछ 20-25% रेड क्रॉस को जाएगा। आने वाले समय में जो हमारे जिला मुख्यालय की पार्किंग है उसका भी ऑक्शन होना है, उसका भी लगभग 50% के आसपास जो उसमें अमाउंट होगा जो मिलेगा उसका वो रेड क्रॉस को दिया जाएगा ताकि रेड क्रॉस की इनकम बढ़ सके। साथ ही कुछ और पार्किंग है जो रेड क्रॉस की जमीन पर आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं और जो कुछ दुकानें हैं जिनका रेंट नहीं आ रहा, कैसे उनका रेंट वापस हमको मिल सके, इसके लिए एक छोटी सी कमेटी का भी गठन किया है। साथ ही अब क्योंकि डिमांड हमारे पास बढ़ती जा रही है रेड क्रॉस के माध्यम से, इसलिए एक छोटी सी कमेटी बनाई है रेड क्रॉस की, जिसके माध्यम से जितने भी हमारे पास केसेज आते हैं जहाँ पर लोग फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमारे पास आते हैं उसको स्क्रीन किया जाएगा और जो जेन्युइन केसेस होंगे ताकि हम खास करके जो बहुत जेन्युइन केसेस हैं, जो बहुत पुअर लोग हैं उनकी मदद कर सकें, इसके लिए जो सब कमेटी है वो भी गठित की गई है।